नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मेक इन इंडिया पीएम मोदी की सबसे महत्वपूर्ण पहल, शाहरुख। अभिनेता शाहरुख खान ने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सराहना करते हुए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल बताया, जिससे देश में रोजगार पैदा हो रहे हैं। शाहरुख ने कहा कि मेक इन इंडिया संभवतः हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहल है, जो भारत और विदेशों में कंपनियों को हमारे अपने देश में और हमारी जमीन पर उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करती है और इस तरह रोजगार निर्माण, कौशल विकास करती है। 50 वर्षीय शाहरुख भाजपा नेता शाइना एनसी की पुस्तक मूवर्स एंड मेकर्स के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। ये पुस्तक मेक इन इंडिया पहल को समर्पित है। शाहरुख ने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से नए तकनीकी विस्तार कई पीढ़ियों के लिए लाभकारी होंगे। अमेरिका भी बोला, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान पर पड़ोसियों के लिए खतरा बने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और उस पर दबाव बनाया कि वो हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठनों के खिलाफ कदम उठाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान मामले के विशेष प्रतिनिधि रिचर्ड ओल्सन ने कहा कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने उन आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है जो पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। ओल्सन उन सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे जिन्होंने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान के चुनिंदा ढंग से कदम उठाने को लेकर चिंता जताई। तेलंगाना में भीषण गर्मी, 122 लोगों की मौत। तेलंगाना में आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया इस साल गर्मी का मौसम शुरू होने के बाद तेलंगाना में गर्मी से 122 से अधिक लोगों की मौत की सूचना मिली है। आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि आज भी कई लोगों की मौत की सूचना मिली है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को लोगों को राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 29 अप्रैल को राज्य में सूखे की स्थिति पर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।